तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक अनिर्सत वापस। और जैसे कि आपको पता है कि आज एक न्यू मोड आ चुका है। अब बेसिकली जो भी लोग इस मोड को नहीं खेलना चाहते, सिंपली आपको मैप पे ही जहाँ पे सिलेक्शन होता है वहाँ पे जस्ट एक इवेंट मोड करके उसको टिक करने का और ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि भाई मैप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो फिलहाल अब तुम ये देखो कि इस मैप में होता क्या है, मतलब इस मोड में, कि एक टेम्पल होता है, टेम्पल थोड़ी देर हवा में चले जाता है और हवा में जाने के बाद उसमें क्या होता है कि जब वो हवा में जाता है तो उसके अंदर एक गार्डियन होता है जो लेवल 3 की जो लूट होती है, AWM, ग्रोजा एंड ऑल जितनी भी गन होती है सबकी सुरक्षा कर रहा होता है। अब जब आपको नहीं पता होना था कि आपका दुश्मन कितना ज़्यादा ताकतवर है, तब तक आप उसकी तैयारी करते ही नहीं हो। फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की, जिसमें भाई आ चुके हैं इस टेंपल पे। तो सबसे पहले टेंपल में जो तबाही होती है ना वो देखो, और इसकी एक ट्रिक भी कि आपको केवल यहीं पे उतरना है। सबसे पहले यहाँ से गन उठाइए और अब देखिए तबाही कैसे स्टार्ट होती है। अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया, अब भाई साहब ये सारे बंदे जितने भी हैं ना सब ऊपर कूद गए, और ऊपर तो कोई लूट मिलती है ही नहीं। मतलब ये कि अब इनके साथ होने वाला है स्कैम। अब बस तुम ये देखो ये सारे के सारे बंदे कैसे कैसे मरते हैं। ऊपर कुछ नहीं मिलता भाई, ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है, यही मिलता है जो अब भाई इसके बाद देखो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि मेरे को बंदे स्पॉट नहीं हो रहे थे। और अब देखिए अब ये बंदे इतने बुरी तरीके से घिर चुके थे ना, तो ये नीचे कूद सकते थे और ऊपर रह रहे थे तो भी मर रहे थे। और फाइनली इसके बाद में जो मेरी पूरी एक स्क्वाड के किल तो मेरे को मिल जाते हैं, लेकिन मैंने अभी भी इतने बंदे नॉक कर रखे थे तो मेरे को मतलब सही में एक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि जल्दी से वहाँ चल, और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बंदे एक एक करके टप टप गिर रहे हैं, जैसे मानो कोई पेड़ से कोई एकदम सेब टूट के गिर रहे हों। तो मुझे पता चल गया कि अपने टीममेट के पास रिवाइव होने के जा रहे हैं, और इनका जो एक टीममेट है वो भाई साहब सामने वाले घर में है। अब भाई साहब जैसे मैंने उसको स्पॉट किया वो जल्दी से जाकर घर में घुस गया। फिलहाल वहाँ पर भी बहुत सारी भसड़ चल रही थी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बंदे कूदे थे। अब एक तरीके से मतलब डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पर टीममेट को बोला पीछे से कवर दे, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। अब जैसे मैंने देखा कि वो ऊपर जाता तो मैंने टीममेट को भी यहाँ पे कॉल दे दी और टीममेट भी आ गया। और अब देखिए अब सही बताऊँ तो सबसे पहले मैं इस बंदे पे ग्रैंड फेंकने वाला था, लेकिन जैसे मैं ग्रैंड के पिन खींची तभी एक बॉट दिखा मेरे को। अब केड़ी बनाना भी कि यार कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल एक ग्रैंड की पिन खींची मैंने, अब उस बंदे ने भी ग्रैंड की पिन खींची लेकिन मैंने उसे पहले फेंक दिया। अब ये हुआ कि बंदा कोने में था तो पूरा तो नहीं मरा, अब उसका भी ग्रैंड फट गया। और देखिए अब इसके बाद मैंने यहाँ पे रश कर दिया। तो भाई फाइनली जो एंशियंट टेम्पल जो था, मतलब एकदम प्राचीन टेम्पल हमारा ये, यहाँ पे पूरे इस पे जितने भी बंदे आए थे हमने सबको मार दिया था। अब बस देखना ये था कि ये टेम्पल हवा में कब उड़ता है और उस गार्डियन को, मतलब ये मैं सही बताऊँ ना ये हमारा पहला गेम था जिसमें हमारा पाला जो है ना उस गार्डियन से पड़ा था, क्योंकि अब तक ना हमें सही बताऊँ तो उसकी ताकत का अंदाज़ा था ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। होता है यार, जब तक आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। और फाइनली अब हम वापस टेंपल में आए। अब देखो टेंपल में आने के बाद भी टेंपल में ऐसा नहीं है केवल एक वही चीज़ है, इसमें बहुत सारे पजल होते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के साथ में आपको एक बहुत ही गजब की आउटफिट मिलती है। फिलहाल हम जैसे इसे ओपन करने आए तो पता चलता है कि जब तक टेंपल हवा में नहीं उड़ेगा तब तक हम इसमें नहीं एंटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जब तक जितने पजल वगैरह इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और देखिए सबसे पहले एक पजल है जिसमें पूछता है कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ पर मरे होंगे। इसे रैंडमली कुछ भी लगा दिए या जो आपका मन करता है। तो लूट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक आउटफिट मिलता है। अब बेसिकली यार सही बताऊँ तो आपको सब पता है कि ये पबजी वालों का झोल है। फिलहाल भाई साहब देख सकते हैं कि जो मंदिर है अब वो हमारा हवा में उड़ना स्टार्ट कर दिया है उसने। और ऐसे में भाई साहब कोई भी भूल चूक ना करें, कहीं ऐसा हो कि आप जाके नीचे गिर जाएं। तो जैसे कि इनके हिसाब से कि जब तक मंदिर हवा में नहीं जाएगा तब तक फाइट स्टार्ट नहीं होगी। और फाइनली भाई जैसे ही अब मंदिर उड़ चुका है तो हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ, अब बेसिकली सही बताऊँ तो पहले जो था ना मेरा टीममेट पहले ही घुस गया, और जब मैं यहाँ आया हमने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही एक्टिवेट किया, और अब देखिए अब यहाँ पे वो गार्डियन आता है। पहले पूरी फाइट देखो फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब भाई साहब ना तो इसके हेड पे मारने से कुछ होता ना ही इसके सामने जिगल करने से कोई फायदा है।
अब भाई मैं इतना लेट हो गया तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक फर्स्ट एड किट लगा लूं, लेकिन मैं नॉक हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह कि अब हमें इसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है, मतलब ये सांप भी छोड़ती है, एक तरीके से डायन टाइप है। मतलब सीरियसली यार, इतनी गजब की लूट के लिए इतनी खतरनाक सिक्योरिटी, ये तो सही में एक पागलपन है। लेकिन जो भी है, जब दुश्मन ताकतवर होता ना तो गेम खेलने का मजा ही और अलग हो जाता है। अब हमें इसकी ताकत का अंदाजा पता चल चुका था, तो इसलिए हमारे अगले मैच में, और अब तुम देखना इस वाले मैच हमने क्या क्या तैयारियां करी हैं इसको मारने के लिए। अब गई, जब तक कि हम नीचे पहुंच रहे हैं तो आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आप इजीली पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी जैसे गेम्स पे इंटरेस्ट है तो आप पेटीएम फर्स्ट ऐप के फैंटेसी गेम से हर दिन लाखों रुपए तक जी सकते हैं। आपको सिर्फ करना है इतना है कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद फैंटेसी गेम्स के सेक्शन में जाना है। आपका जो भी लाइव मैच होगा उसके हिसाब से एक टीम बनाइए। आपकी टीम के खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। आपकी टीम के पॉइंट्स दूसरे टीम के कंपैरिजन में टॉप में है तो आपको अकाउंट में विनिंग के पैसे ऐड हो जाएंगे। पेटीएम फर्स्ट गेम्स फैंटेसी का फॉर्मेट बहुत ही इजी है, आप एक से ज्यादा भी टीम बना सकते हैं और आपके जीतने के जो चांसेस हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और प्लेयर्स के फॉर्म के हिसाब से अपनी टीम बना लीजिए। और भाई फिर से आ चुके हैं इस एंशिएंट टेंपल पे और देखते हैं कि इस बार क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर टीम्स बहुत सारी आती हैं तो तबाही होनी तो पक्की है। और जैसे मैं इस बार उतरता हूँ तो भाई इस बार मेरे को मिल जाती है M16 यानी कि बस्ट, और अब तुम ये तबाही देखो। अब भाई उतरते मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया था। और मेरे हिसाब से यहां पर जाके जो है पूरी एक स्क्वाड फिनिश हो जाती है। फिलहाल भाई साहब ये बंदा UMP 45 लेके आया और जो कि मुझे नॉक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ अब ये बहुत बुरी मौत मरने वाला था। अब इसके बाद मेरे को गन फाइट के साउंड इधर से आते हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर रश करता हूं। और अब देखिए, जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया तो मेरे को साउंड आया कि इधर एक और बंदा है और जो कि अब उस वाले कोने पे जा चुका है। अब कमाल की बात यह है कि यहां पर आपको पता है कि ऊपर लूट नहीं मिलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे ऊपर कोई लूट नहीं मिलती है। तो कुछ बंदे भाई सबसे ऊपर कूद जाते हैं और फिर वो भाई साहब फंस जाते हैं, क्योंकि अब नीचे तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर नीचे आएंगे तो भाई साहब मारे जाएंगे। तो यहां पर जो है एक बंदा अभी भी ऊपर होता है, और लेकिन सबसे पहले इन भाई साहब को नॉक करते हैं, RDX भोले को, और तभी मेरे को फुट साउंड आते हैं इस ऊपर वाले बंदे के। अब मेरा टीममेट भी है, इसको इधर से गोली चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब ये बंदा मानो नीचे उतर ही नहीं रहा था। फाइनली भाई जैसे इसको मौका मिलता है ना, ये नीचे आ जाता है और नीचे आके ये सबसे पहले किसी भी एक गन को तलाश करता है। अब चाहे कुछ भी कह दो, इस वाले स्प्रे में तो मैंने हक दिया, लेकिन जैसे मैं यहां से नीचे जाता हूं, फाइनली भाई ये बंदा भी यहां मारा जाता है। अब देखिए इसके बाद में आपको पता है कि ये गटका के पास में ये वाला टेंपल, तो यहाँ आसपास ही बंदे उतरे थे, तो एक दो बॉट वगैरह आए थे, इनको हमने मार दिया। और फाइनली टाइम आता है कि जब ये जो टेंपल है अब हवा में उड़ने वाला है, और इस बार की हमारी तैयारियां देखिए, क्योंकि तैयारी इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, देखिए ये हमारी तैयारी, पहले गैस कैन लगा लिए गए हैं, ग्रेनेड वगैरह ले लिए गए हैं और हेलमेट वेस्ट सब एकदम, और बहुत सारे एमओ, पिछली बार एमओ खत्म हो गए थे, लेकिन एमओ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मेरा टीममेट कर रहा है उसे एक्टिवेट, सबसे पहले उसने वो वाला जो पोर्शन है वो वाला एक्टिवेट किया, और जैसे उसने दूसरा वाला एक्टिवेट किया भाई गार्डियन आ गया। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, अब पता नहीं कि ग्रेनेड से डैमेज होता है कि नहीं, लेकिन अब देखिए तबाही शुरू हो चुकी है। अब इस बार मेरे को इतना तो पता चल गया था कि अपना बचाव कैसे करना है, इसलिए मेरे को डैमेज बहुत कम मिल रहा था।
और भाई यहाँ पर आके जो है मेरे अब एमओ खत्म हो चुके थे, क्योंकि मेरा जो पिकअप ऑप्शन था ना वो अभी डिसेबल था। एंड भाई फाइनली ये मतलब फर्स्ट टाइम हमने किसी गार्डियन को मारा था, और बस देखो इसके सामने ना कोई जिगल काम आता है और ना ही कोई प्रोन फायर, ना ही कोई ड्रॉप शॉट, ना कुछ भी। मतलब सही बताऊं तो बस क्या है कि जैसे वो आपकी तरफ हाथ वगैरह करे ना, तो आपको बस उस पोजीशन से हटना है, क्योंकि वहां पर वो जो आपको पता है चट्टान वगैरह फेंकती है। और सबसे पहले आपको स्नेक को मारना है, क्योंकि स्नेक भाई मतलब सीरियसली बहुत ही क्लोज से डसते रहते हैं। अब थोड़े से फन फैक्ट्स की बात करते हैं कि देखो सबसे बड़ी जो मेरी एक शिकायत है इस गेम पबजी से, जो अभी जब ये अपडेट आया है, कि यार जब हम इसको मारते हैं ना गार्डियन को, कम से कम 10-15 किल तो मिलने चाहिए, क्योंकि यार तुम खुद सोचो इतने सारे एमओ खराब हो जाती हैं। फिलहाल देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को बंदे स्पॉट होते हैं ना, तो अगर मैं उनको स्नाइपर से गिरा पाऊँ तो सही मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि इस टेम्पल पर रह के बंदों को मारना एक तरीके से टफ हो जाता है। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, और इतनी हाइट से जो ब्लड ड्रॉप होता है वो भी बढ़ जाता है। मतलब कि आप अगर गोली एग्जैक्ट बंदे पर मारोगे ना तो वो नहीं गिरेगी, वो थोड़ी आगे गिर जाएगी पहले ही। तो ये थोड़ा सा पबजी की जो फिजिक्स है उस तरीके से काम करती है। अब फाइनली देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा टीममेट है वो नीचे कूद आता है, तो जैसे वो नीचे कूदता है तो उस पर एक टीम रश कर देती है। अब भाई जैसे ही मेरे को पता चलता है कि वो खतरे में, अब देखिए यहाँ से मैं कैसे एक मौत की छलांग लगाता हूँ। अब मुझे उसने बताया कि बंदे, अब जैसे उसने मेरे से कॉल मांगी, अब देखिए तो इस तरीके से भाई यहाँ पर ये पैरासूट आ जाता है। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी गजब की है। फिलहाल मैं इन बंदों को एकदम ट्रैक कर रहा था, मैंने सोचा अगर ये बंदे पहाड़ पे रुक जाते हैं ना तो मैं इनको इजीली पीछे से मार दूंगा, लेकिन मुझे पता चलता है कि ये बंदे आगे ही आ रहे हैं। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं इस कोने वाले घर पर रुक जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ हो जाती है एक दिक्कत। यहाँ पर मैं शायद एक बंदे को 9 एक को लिट कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उनके फ्री फायर में घुस जाता हूँ। अब यहाँ हो जाती है मेरे से ये गलती कि उनके प्री फायर में जाकर घुस जाता हूँ। फिलहाल अब यहाँ पर सागर एक खतरनाक क्लच मारने वाला है, और उसके बाद में आप पूछो कि सागर का भी गेमिंग चैनल है कि नहीं, तो भाई साहब है, उसके चैनल का नाम भी सागर गेमिंग है। फिलहाल अब तुम ये देखो, सबसे पहले बंदा आया लेफ्ट से, फिर उसके बाद एक राइट से, एक और आने वाला राइट से। जैसे वो मेरे पास हाथ लगाने के लिए आता है, तभी मतलब इसके जितने भी बंदे वो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, तू रश कर दे बस। और फाइनली भाई साहब इस तरीके से मैं आके यहाँ पर बच जाता हूँ। अब इसके बाद जैसे जैसे रिवाइव हुए पोचिंग की से आए, तो सबसे पहले हमें ये गाड़ी दिखाई दी। अब मेरी गाड़ी यहाँ पर ठुक जाती है इन बंदों को स्पॉट करने के चक्कर में, तो मैं सागर से बोलता हूँ कि अब ड्राइव भाई तुम करो, मैं अब सिर्फ मतलब तुमने तो 4 किल ले लिए, अब हमारा भी 1-2 किल होना चाहिए ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, इतने बंदे यहाँ पे प्रोन हो चुके थे, और अब देखिए अब हम यहाँ पर कवर में रुक जाते हैं इन बंदों से फाइट लेने के लिए। तभी देखो यहाँ पर एक और यूएस की आवाज़ आती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब तुम ये स्प्रे देखो पहले, अब आपने देखा होगा कि उन बंदों को हेड एंड बॉडी पड़े थे, मतलब लेट तो था, और उसी तरीके से यहाँ पर एक बंदा नॉक हो जाता है। जैसे ही रुके यहां पर, अब तुम ये बताओ तुम्हें ये वाला क्लच कैसे लगा, और सागर वाला क्लच तो यार सही में ओपी था। अब देखिए यहां मैं बंदे को स्पॉट कर रहा था, मगर भाई साहब ये दोनों एकदम जिंद की तरह ये मान लो प्रोन पड़े हुए थे। अब यहां पर मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव देता है। फिलहाल मेरे को जब तक रिवाइव मिलता है तब तक इनमें से एक बंदा राइट से और एक लेफ्ट से दोनों तरफ से फ्लैंक कर चुके थे। लेकिन भाई लेकिन जब हाथ में ग्रोजा हो ना तो ये गलती तो कभी मत करो। जैसे ही मैंने इस वाले बंदे को नॉक किया, पता चलता है दूसरा बंदा भी इधर से ही आ रहा है, और भाई ये वाले डुओ को भी हमने यहाँ पे इजीली फिनिश कर दिया। अगर ये स्क्वाड होता तो एक बार को हमको दिक्कत हो सकती थी, फिलहाल ये 2 ही लोग थे, हम लोगों ने इनको इजीली फिनिश कर दिया। अब आपको पता ही होगा कि जब आपकी मौत आती है तो आप चाहे ऊँट पे ही क्यों ना बैठे हो, कुत्ता आपको तब भी काट लेता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मतलब ये कि जब का टाइम बुरा होता है ना, तो आपकी मौत कैसी ना कैसे, मतलब सीरियसली वाली नहीं गेम वाली, गेम में कैसी ना कैसे आप मर जाते हो। कभी आपको कोई कैंपर मार देगा, कभी आप रेड जोन से ही मर जाओगे। फिलहाल अब तुम यहाँ पर देखो, हमें सामने एक यूएस दिखाई दी। अब ये यूएस यहाँ से पीछे जाती है, मतलब ये कि यहाँ से जा रही है, तो हम लोग गाड़ी को लेके जाते हैं। और तभी देखिए है।
भाई सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, कुछ नहीं पता चला कि क्या करें, क्योंकि गाड़ी पहले जा रही थी, अचानक मुंह पे आकर ठुक गई, और चार बंदों के बीच में जब गाड़ी ठुकेगी तो इजी गाड़ी तो फट ही जाएगी। फिलहाल ये बताओ, हमने गार्डियन को कैसे मारा और आपने क्या सीखा कि गार्डियन को कैसे मारना है, क्योंकि गार्डियन को मारना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो अभी के अभी एक सब्सक्राइब करो, एंड भाई इंस्टाग्राम पर बात करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखना अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।